वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन. टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री विद द न्यू टॉपिक आइसोमेरिज्म. व्हाट इज द आइसोमेरिज्म? अगर मैं कहूँ आपको आइसोमेरिज्म को अगर बेसिक से देखे तो होता क्या है आइसोमेरिज्म? अगर अपने डेफिनेशन देखे आइसोमेरिज्म की क्या हो जाएगी, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इज कॉल्ड आइसोमर. एंड फिनोमिनो इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. चलो ये तो डेफिनेशन हो गई जो अपने बेसिक पढ़ते आ रहे हैं. आइसोमेरिज्म कहने का मतलब, आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसमें कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वो का वो रहता है. जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं हूँ, अगर मैं खड़ा हूँ, मैं ऐसे हो गया यहाँ पे. अगर मैं ऐसे हो गया तो देखो मेरे में चेंजेज क्या रहे हैं, ये दोनों हाथ ऊपर की तरफ हो गए, मगर मेरी नाक में कोई फर्क नहीं पड़ा, उतने ही पड़े हैं. दो हाथ है तो दो हाथ ही पड़े हैं, और मेरी आँखें दो है तो दो ही पड़े हैं. अगर मैं ऐसे हो गया तो कोई फर्क पड़ा मेरे नाक हाथ में? कहने का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होता रहता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेज आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स कॉल्ड आइसोमेरिज्म. सबसे पहले बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की. आपके ओनली क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद में बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जिस स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री में, तो उसको अपने बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री. सबसे पहले अपने बात करते हैं आइसोमेरिज्म की. द आइसोमेरिज्म क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. मैं साइड में हट जाता हूँ, आप क्लासिफिकेशन की तरफ देखिए. द आइसोमेरिज्म क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट आ जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड आ जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं. द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल्स आर डिफरेंट, उसको अपने क्या बोल देंगे, स्ट्रक्चरल्स आइसोमेरिज्म. डिवाइडिंग फ्यू टाइप्स, फर्स्ट इज चैन आइसोमेरिज्म. हाँ, अपनी डिटेल से नहीं है, अपनी स्टीरियो पढ़ेंगे ओनली. सेकेंड, इसके नेम नेम ध्यान रखना, पोजिशन चेंज होगी, डबल बॉन्ड पोजिशन, उसको अपने क्या बोलते हैं, पोजिशन आइसोमेरिज्म. थर्ड आ जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा मेटामेरिज्म, और फिफ्थ पार्ट कौन सा हो जाएगा, ट्यूटोमेरिज्म. थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ, चेन में डिफरेंस आता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, ब्रांच आ जाए अनब्रांच्ड, उसको अपने बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म. डबल बॉन्ड के पोजीशन में चेंजेज होते हैं, या कोई ग्रुप अटैच हो उसके पोजीशन में चेंजेज होते हैं, उसको अपने बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म. थर्ड आ जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म. जैसे एल्डिहाइड कीटोन के इक्वल कार्बन ले ले अपने, दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो गए, मगर वहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ये हो जाएगा फंक्शनल में. मिडिल पोजीशन में चेंजेज हो, जैसे ईथर में ऑक्सीजन कभी इधर चला जाता है उधर, उसको अपने क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म. आगे थोड़ा सा जनरल बता रहा हूँ, वैसे अपने नहीं है सिलेबस में. ट्यूटोमेरिज्म में क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है हाइड्रोजन चल के दूसरी जगह चला जाए या कोई ग्रुप, आगे क्या बात समझ में, जिससे क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज सेम रहता है. आगे ये तो हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप, आगे बात समझ में. अब देखो अपने बात करते हैं, आपके ओनली क्लासिफिकेशन है, आपके डिटेल से है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अब अपने आते हैं सिलेबस पे. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. हबी क्या होता है,
इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट आर ए स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा आ जाएगा अपनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, अपने यहाँ पे बात करेंगे ओनली किसकी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे इस सिलेबस में अपने, स्टीरियो केमिस्ट्री में। ध्यान रखना अपने सिलेबस में क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ेंगे, ये अपना सिलेबस है चैप्टर का, ठीक है। सबसे पहले अपने बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या होता है। देखो भाई, तो अपने पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन इसकी, फिर इसको अपने समझाएंगे डिटेल से। इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम इवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम इवन स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड पोजिशन ऑफ बॉन्ड बॉन्ड सेम बट डिफर बट डिफर ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इस कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। एंड फिनोमिनो इस कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो भाई, अब थोड़ा सा बात करते हैं। देखो इसका ये तो हो गया डेफिनेशन, मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम इवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड पोजिशन ऑफ बॉन्ड सेम बट डिफर ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स एंड फिनोमिनो इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो आपको चेंज से थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। देखो थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, देखो केमिस्ट्री वाला नहीं समझा रहा, एक बार अदर समझा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया वन, इधर की तरफ लिख दिया टू, इधर की तरफ लिख दिया थ्री, इधर की तरफ लिख दिया फोर। अगर मैं यहाँ पे देखो इसको चेंज करके लिख दूँ, दो इधर लिख दूँ, चार इधर लिख दूँ, फोर इधर लिख दूँ, और इधर मैंने वन इधर लिख दिया, और इधर की तरफ मैंने लिख दिया थ्री। देखो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आ रहा है ना। पहले कंपाउंड्स में देखो, मान लिया मैंने वन टू थ्री फोर, इधर की तरफ देखो टू फोर वन थ्री। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल हो ना, इसको अपने बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर अपने बात करें सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कैसे होगा, इसमें देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल और साथ में क्या रहेंगे, पोजीशन ऑफ बॉन्ड सेम रहेंगे, स्पेशियल चेंजेज होगा। स्पेशियल चेंजेज कहने का मतलब है, देखो जैसे मैंने इधर लिख दिया वन, इधर की तरफ लिख दिया टू, इधर की तरफ लिख दिया थ्री, और इधर की तरफ मैंने लिख दिया फोर।
आगे बात समझ में। अब इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट कैसे चेंज होगा, इसको मैं दूसरी तरीके से लिखूं, इधर लिख दिया टू, मैंने इधर लिख दिया थ्री, वन को मैंने इधर लिख दिया और इधर की तरफ आ जाएगा फोर। तो देखो पोजिशन ऑफ बॉन्ड सेम है इसमें, और देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे देखो चेंज क्या है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट है ना वो चेंज है। इसको ही अपने क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कहने का मतलब है मेरी तरफ देखो आप, इधर की तरफ देखो, मैं सेम यहीं पे खड़ा हूं। यहां पे देखो स्पेशियल अरेंजमेंट कैसे चेंज होगा, ये ग्रुप पहले ऐसे थे, एक कंपाउंड ये हो गया, दूसरी तरफ ऐसी हो गई, दूसरा कंपाउंड ये हो गया, तीसरा ऐसी हो गया यहां पे। तो इसका मतलब स्पेस में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आगे बात समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, इवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड पोजिशन ऑफ बॉन्ड सेम बट डिफर ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स एंड फिनोमेनो इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहां तक बोला समझ में आ गया क्या, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम? आगे चलते हैं अभी देखो। अब अपने बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। द स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट क्या आ जाएगा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और सेकंड क्या आ जाएगा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट का क्या नाम है, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और सेकंड क्या हो जाएगा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो। कहने का मतलब है यहां पे अगर मान लो आइसोमर्स है दो, अगर दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो तो उसको अपने इजिली इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकती। आगे क्या बात समझ में, जबकि कन्फर्मेशनल में क्या होगा, इजिली कन्वर्टेशन कर सकते हैं। इसका रीजन बताता हूं मैं तुम्हें, ये किसमें पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है सिंगल बॉन्ड में। जैसे मैं तुम्हें समझाने के लिए, मान लो ये बुक है इधर की तरफ, अगर मैं इस बुक को इधर एक 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 अपने पेन लगा के घुमाएं, अपने घुमाते देना एक पेन लगा के ऐसे, तो आराम से रोटेशन होगा, इसको अपने बोलेंगे फ्री रोटेशन। अगर मैं यहाँ पे दो इसके पेन लगा दूँ, इधर दो मार्कर लगा दूँ, क्या ये घूमेगा, क्या क्या इसका रोटेशन होगा, क्या नहीं होगा, इसको अपने बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। तो कहने का मतलब है कन्फर्मेशनल क्या होता है, इजिली कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, फ्री रोटेशन प्रेजेंट होता है। फ्री रोटेशन होगा तो किसमें होता है, देखो आप, फ्री रोटेशन होता है तो सिंगल बॉन्ड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो इजिली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस देखें, इसको अपने इजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए रिक्वायर एनर्जी होती है अपने, मैं इधर लिख देता हूँ दोनों में डिफरेंस। अपना पहला टाइप आ जाएगा कॉन्फिग्रेशनल, और सेकेंड टाइप क्या है, कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल। अब देखो लो इसमें क्या होता है, इजिली कन्वर्ट नहीं होता एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड्स में, इसमें क्या होता है, ये इजिली कन्वर्ट होता है, इसमें क्या होता है, इजिली कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए इसको रिक्वायर हायर एनर्जी। रिक्वायर्ड हायर एनर्जी, अबव 100 किलो जूल पर मोल। आगे क्या, इट्स इजली कन्वर्टेड टू ईच अदर, कन्फर्मेशनल, इजली कन्वर्टेड टू ईच अदर। अगर इसमें बात करूं रिक्वायर एनर्जी तो बहुत लोवेस्ट, अकॉर्डिंग टू 10 टू 15 किलो जूल पर मोल। ठीक, आगे क्या बात समझ में, यहाँ पे ये हो गए कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल अपने हो गए। अब अपने बात करते हैं, सिलेबस में आते हैं, सबसे पहले अपने बात करेंगे कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है जियोमेट्रिकल,
और दूसरा क्या होता है सेकंड ऑप्टिकल। अब अपने आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिकल, किसमें होता है कॉन्फ़िगरेशनल में। तो अब अपने आते हैं मेन टॉपिक पे, सबसे पहले बात करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर का जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कहने का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, डिफरेंस क्या आ जाएगा? सबसे पहली बात इसमें क्या आ जाएगा, सेम MF लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मगर डिफरेंट क्या हो जाएगा, डिफर जियोमेट्रिक अरेंजमेंट, जियोमेट्रिक अरेंजमेंट। आगे क्या बात समझ में, तो क्या हो जाएगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इफ द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमर एंड फिनोमिनो इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आगे क्या बात समझ में? अब देखो थोड़ा समझने के लिए, इसमें क्या होती है, कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, कुछ शर्तें होती है उसके अकॉर्डिंग अपने पता करते हैं इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है या नहीं। देखो भाई कंडीशन देखो क्या क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन देखो, एक तो क्या है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, शुड नॉट बी मस्ट फ्री रोटेशन, शुड नॉट बी मस्ट फ्री रोटेशन। कहने का मतलब ये है, जैसे अपने यहां पे ये ले लिया, अब आपको याद होगा छोटे थे तो अपने कॉपी को घुमाते थे ऐसे, रोटेट करते थे। आगे क्या बात समझ में, रोटेट करते थे तो सिंगल बॉन्ड में सिंपली रोटेट हो जाता था। देखो यहाँ पे अगर मैं दो किल लगा दूँ या दो पेन लगा दूँ कॉपी के बीच में, दो पेन लगा दूंगा तो यहाँ पे रोटेशन होगा क्या? रोटेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, शुड नॉट बी मस्ट फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन नहीं होता। और ये कब हो सकता है, जब बिटवीन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। नेक्स्ट अपने कंडीशन क्या आ जाएगी इसकी देखो, नेक्स्ट कंडीशन है जब भी अपने कार्बन कार्बन के बीच में मान लो डबल बॉन्ड ले, जो बोथ कार्बन एटम है उसमें क्या होता है, जो अपने ग्रुप लेते हैं यहाँ पे किसी सेम ही कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे सेम ग्रुप नहीं होनी चाहिए। आगे क्या बात समझ में, बोथ द डबल बॉन्ड कार्बन एटम ईच कार्बन एटम नॉट अटैच्ड विद द सेम ग्रुप या सेम एटम। कहने का मतलब एग्जांपल में अपने क्या है, जैसे मैंने इधर ले लिया सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे कोई ग्रुप मैंने ए अटैच कर दिया और इधर की तरफ ए, मान लो इधर की तरफ बी और इधर की तरफ बी, तो ये क्या है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड कार्बन एटम पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसको अपने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला बनाना है तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच कर देंगे, दो डिफरेंट ग्रुप। इसका मतलब इधर मैंने ए अटैच कर दिया और इधर की तरफ बी, हाँ दोनों तरफ सेम हो सकते हैं, इधर की तरफ मैं ए कर दूंगा और इधर की तरफ क्या आ जाएगा बी,
इसमें क्या होता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। मेरी बात समझ में आ गई है क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे बोथ द डबल बॉन्ड कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम नॉट अटैच्ड विद द सेम ग्रुप एंड सेम एटम इज कॉल्ड, इज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आगे क्या, इसका मतलब क्या है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होंगे उसमें ईच कार्बन, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे, आगे क्या बात समझ में, दोनों जो ग्रुप है, बोथ ग्रुप है, वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। आगे क्या बात समझ में, अब अपने लेते हैं एग्जांपल, देखो देखो, जैसे एग्जाम्पल लेंगे वहां से ज्यादा और थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। पहले एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूट टू, और इधर की तरफ आ जाएगा ई। अगर अपनी इसकी देखें स्ट्रक्चर्स क्या होगी वो देखें, सबसे पहले देखें स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इधर की तरफ आ जाएगा CH3, फिर इधर की तरफ मैंने कर दिया CH, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर की तरफ आ जाएगा CH, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, अब इसको जियोमेट्री के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिख दिया कार्बन डबल बॉन्ड, इधर की तरफ आ जाएगा कार्बन। अब इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे देखो दो ग्रुप अटैच है, कौन कौन से ग्रुप अटैच है, एक तरफ तो क्या आ जाएगा इधर की तरफ CH3, और दूसरी तरफ क्या अटैच है H। अब दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम देखो, इधर की तरफ क्या अटैच है CH3, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H। आगे बात समझ में, अब यहाँ पे देखो इसमें चेंज क्या कर सकता हूँ जियोमेट्री में, अब रोटेशन तो होगा नहीं, मैंने तुम्हें बताया था डबल बॉन्ड आती है रोटेशन होता नहीं है, इसका रीजन देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होता है सिंपली। अब कहने का मतलब है जब भी है ना डबल बॉन्ड आता है ना, तो डबल बॉन्ड में इधर क्या आ जाता है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से क्या हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हो जाता है, ऐसे क्लाउड होगा ना, तो इसका आप देखो रोटेशन नहीं हो रहा ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। आगे क्या बात समझ में, इसलिए अपने मानते हैं यहाँ पे जैसे ही बिटवीन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है तो उसमें क्या होता है फ्री, शुड नॉट बी प्रेजेंट फ्री रोटेशन। आगे क्या, फ्री रोटेशन प्रेजेंट नहीं होगा। आगे देखो, अब इसमें जियोमेट्री चेंज करनी है, देखो सी डबल बॉन्ड सी, इधर वाला सेम रख लूंगा एक, इधर की तरफ मैंने कर दिया CH3, इधर की तरफ आ जाएगा H, इधर वाला चेंज कर दूंगा H ऊपर ले जाऊंगा और CH3 को क्या ले जाऊंगा नीचे, इधर की तरफ मैं कर दूंगा H और इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH3। अब यहाँ पे आपको जियोमेट्री डिफरेंस दिख रहा है, कहने का मतलब है एक तो आपको क्या दिख रहा है, पहले देखो टू सेम एटम बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम टू सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड, देखो टू सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड द आइसोमर इज कॉल्ड सिस आइसोमर। मेरी बात समझ में आ गई, इन द टू बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड is called cis isomer if the two similar group present in opposite side both the double bond carbon atom present opposite side is called trans isomers। आगे बात समझ में, अब थोड़ा सा मैं कह रहा हूं जियोमेट्री डिफरेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं। देखो जियोमेट्री का मतलब अगर अपने बेसिक जाए ना तो उसका मतलब होता है मेजरमेंट। एक जियोमेट्री डिफरेंस में यहां पे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी जियोमेट्री डिफरेंस अपने टेस्ट से कैलकुलेट करते हैं कौन कौन सी जियोमेट्री डिफरेंस प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। देखो अब इन दोनों CH3 के बीच में लेंथ देखो, और इन दोनों CH3 के बीच में लेंथ देखो, तो इसका मतलब मान लिया इसकी L1 है और ये क्या है L2, लेंथ ज्यादा बड़ी किसकी है इसकी, तो हो गया ना एक जियोमेट्री डिफरेंस। तो कहने का मतलब ये द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम,
बट जियोमेट्रिक अरेंजमेंट आर डिफरेंट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर इसको अपने डिटेल से लिखना चाहिए तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सिस, फिर आ जाएगा ऐसे, फिर आ जाएगा ब्यूट, फिर आ जाएगा टू, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा इन। ये क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्रांस, आगे क्या लिख देंगे इसको, ब्यूट, फिर क्या आ जाएगा टू, और फिर इधर की तरफ क्या आ जाएगा इन। आगे क्या बात समझ में, एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और अपने कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं कौन से कंपाउंड में कर रहे हैं, एल्कीन। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, अपना ये टॉपिक कर रहे हैं पहले, इन क्या आ जाएगा एल्कीन। एनी प्रॉब्लम? एल्कीन की एग्जांपल लेंगे सारे अपने, ठीक है। नेक्स्ट अपने करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगा 1,2-dichloroethene। वन टू डाइक्लोरोएथीन। अब इसमें देखो, पहले तो इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला अपने शो कर देते हैं। इधर की तरफ क्या आ जाएगा सी एच, डबल बॉन्ड इधर की तरफ आ जाएगा सी एच, एक क्लोरीन इधर की तरफ है और एक क्लोरीन इधर की तरफ। सबसे पहले इसको जियोमेट्री फॉर्म में लिख देंगे, क्या आ जाएगा जी सी डबल बॉन्ड सी आ जाएगा, इधर की तरफ क्या है क्लोरीन और इधर की तरफ क्या आ जाएगा एच। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड इधर की तरफ आ जाएगा सी। अब एक क्लोरीन इधर की तरफ प्रेजेंट है ये, और एक एच आ जाएगा इधर की तरफ। इधर देखो दोनों में से कोई सी साइड में लिख लेना, मान लो इधर मैं क्लोरीन लिख रहा हूँ और इधर की तरफ क्या आ जाएगा एच। आगे क्या बात समझ में? अब अपने देखो, टू सेम ग्रुप ऑफ बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स, आगे क्या प्रेजेंट इन सेम साइड, कौन सा हो जाएगा बताओ, सिस। तो इसका पूरा नाम क्या लिखेंगे, सिस 1,2-dichloroethene। अब अपने बात करते हैं यहां से इसकी जियोमेट्री चेंज करते थे, हाइड्रोजन के लिए भी कर सकते हो आप रिप्रेजेंट, दोनों हाइड्रोजन भी सेम। आगे की तरफ आ जाएगा, देखो अपने ट्रांस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सी डबल बॉन्ड सी इधर की तरफ मैंने वो का वो कर दिया, थोड़ा इतनी बड़ी बना लेता हूँ, सी इधर की तरफ आ जाएगा डबल बॉन्ड इधर की तरफ सी, इधर की तरफ मैंने कर दिया सी एल और इधर की तरफ एच। अरेंजमेंट चेंज कर देंगे, क्लोरीन को इधर ले जाएंगे और एच को इधर, अपने क्या आ जाएगा इधर की तरफ लिख दिया मैंने हाइड्रोजन और इधर की तरफ आ जाएगा क्लोरीन। अब देखो टू सेम ग्रुप प्रेजेंट इन अपोजिट साइड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। तो इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ट्रांस 1,2-dichloroethene। आगे बात समझ में, और एग्जांपल लेते हैं अपने, हाँ भाई हो गए, देखो भाई नेक्स्ट एग्जांपल है हेक्स 3। पहले से इसके बना लेंगे अपनी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, देखो भी क्या आ जाएगा, छः कार्बन हैं, 3, 4, 5 और 6 बनाने का तरीका बता रहा हूँ, साथ में तीन नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1, 2 और इधर की तरफ आ जाएगा 3, तीन नंबर पे डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे इसके हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, इधर की तरफ 4 हाथ होते हैं 3, इधर की तरफ कितनी आ जाएगी 2 और इधर की तरफ कितनी आ जाएंगे 3 हाथ हो गए 1 और इधर की तरफ 1 और इधर क्या आ जाएगा CH2 और इधर की तरफ आ जाएगा CH3। सबसे पहले जियोमेट्री में अपने को लिखना है इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सी डबल बॉन्ड सी को लिख लेंगे, तो इधर की तरफ आ जाएगा सी और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड और इधर की तरफ आ जाएगा सी। अब इस सी डबल बॉन्ड पे कौन कौन से ग्रुप अटैच है, एक तो एथिल ग्रुप अटैच है और दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तो अपने लिख लेंगे इसको, या तो एथिल को आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्या आ जाएगा C2H5, समझ में आ गया, नहीं तो आप लिख लो CH2CH3, एक ही बात है इसको शॉर्ट में लिखा है, और दूसरी तरफ अटैच कौन है हाइड्रोजन। अब एक इसको वन साइडेड कर देते हैं एक बार, क्या आ जाएगा C2H5 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H। टू सेम ग्रुप सिमिलर ग्रुप, आगे क्या प्रेजेंट इन सेम साइड, क्या आ जाएगा अपने सिस, तो क्या लिख लेंगे सिस
हैक्स आगे क्या आ जाएगा, 3, और इधर की तरफ आ जाएगा ई। अब अपने करते हैं आगे नेक्स्ट, ट्रांस बनाते हैं तो कैसे बनेगा, सी, इधर की तरफ आ जाएगा डबल बॉन्ड सी। अब अपने देखो इधर की तरफ सी, 2H5 पड़ा रहने देंगे, और इधर की तरफ आ जाएगा एच। आगे बात समझ में, इधर की तरफ क्या आ जाएगा एच, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा।